बहुत बहुत बधाई। चलिए मैन ऑफ द सीरीज कहीं बोर तो नहीं लग रहा है, लेकिन तालियां नहीं बजा रहे हैं आप तो हमें उत्साह कैसे मिलेगा। तालियां मस्ती रहनी चाहिए, तालियां जो कि बड़ी कड़ी मेहनत के बाद यह टीम जीत पाई है राम साहब पैंथर से। इस टीम में हमारे एक स्टार बल्लेबाज भी रहे अभिषेक भैया, जो जब भी क्रीज में आए, राजनांदगांव से है अभिषेक भैया, और जब भी क्रीज में आए यकीनन बॉलर डगमगाया है। आगे बढ़ा सके इसके पश्चात मैन ऑफ द सीरीज अभिषेक। पूरे समाज ने हमें भरपूर सहयोग दिया है, जिसकी वजह से हम यह क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजन कर पाए, जिसका भव्य रूप ऐसा रहा कि छत्तीसगढ़ स्तरीय भी क्रिकेट कराने में हम सक्षम हो पाए। समाज के सहयोग से ही यह कार्यक्रम हम उच्च स्तर तक ले आ पाए। बहुत बहुत बधाई। चलिए मैन ऑफ द सीरीज अभी मैं चाहूंगा अभिषेक को यह पुरस्कार। आप लोग यही रहिए। उसकी वजह बस हमारा समाज है। अगर हमारा समाज हमें सहयोग नहीं करता तो शायद हम इतना अच्छा आयोजन नहीं कर पाते। उसके लिए ट्रस्ट है, ट्रस्ट ने भी हमें सहयोग किया, इसके हम बहुत बहुत आभारी हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं समाज को जो इसी तरह हमें सहयोग प्रदान करते रहे, ताकि हम कार्यक्रम को और भव्य रूप से कर सके। आप लोगों का समय ज्यादा व्यर्थ ना करते हुए पुरस्कार वितरण की यह कार्यक्रम मैं शुरुआत करता हूँ। दूसरा वर्ष जो कि सफलता पूर्वक अपनी मंजिल को तय कर चुका है, यह रात्रिकालीन टूर्नामेंट का आज पांचवा दिन। बहुत ही ऐसा आप भी मंच में स्थान ग्रहण करें, क्योंकि ये पांचवा दिन और अंतिम दिन था हमारे लिए क्रिकेट। खुशी की बात भी यह है कि हम इस पांच शक्तियां हैं, इनकी उपस्थिति ने इसे सफल बनाया। यह टूर्नामेंट के कारण यह कार्यक्रम सफल नहीं हुआ है, यह आपकी उपस्थिति, यह आपका अपनापन, यह आपका प्रेम है कि भास्कर युवा मंच के इस मेहनत को आपने सफल किया। यदि आप नहीं होते तो यहां बैट और बॉल से कुछ भी नहीं होता। यह आप लोगों का प्रेम भास्कर युवा मंच को हमेशा मिलता रहे, ये उम्मीद करते हैं। और आने वाले समय में भास्कर युवा मंच ट्रस्ट के भास्कर युवा मंच नाम इसलिए दिया गया कि यहाँ हर एक को मंच मिले। यदि हम एकजुट हैं, हम में कोई मतभेद नहीं है, तो हम इस तरह के कार्यक्रम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और यकीनन ट्रस्ट को भी हमारा सहयोग इसमें करना पड़ेगा और करना भी चाहिए।
युवा मंच में सुमित भाई और मैं दोनों हम मिले थे बाहर में। यहाँ पर 3 से 4 फीट की हाइट में झाड़ हुआ करते थे, टाइल्स और कांच के टुकड़े थे। हमने राकेश भैया जी से बात की कि भैया यहाँ क्रिकेट का आयोजन करना है। उन्होंने बोला कि बिल्कुल होगा, हम इस ग्राउंड को बिल्कुल लेबलिंग करेंगे और यहाँ आप लोग टूर्नामेंट करिए। एक उनका अच्छा प्रयास था और उन्होंने इसे नांगर लगा के लेबल करके दिया। और भास्कर युवा मंच के फिर वो सारे सदस्य जो आपको इस साइड दिख रहे हैं, ये पूरे हकदार हैं, क्योंकि आज जो हरियाली है ये इन्हीं की देन है। सुमित भाई, विकास भाई और मैं पुनः हमारे आदरणीय स्वर्गीय बुलाकीलाल जी शर्मा, हमारे पदमराज स्वर्गीय पदमराज जी शर्मा, दीपिका शर्मा जी स्वर्गीय, और सबसे जिन्हें हम बहुत ही अच्छे सरल और सुगम तरीके से जानते थे, हमारे स्वर्गीय गंगाराम जी शर्मा, जिन्होंने बहुत कुछ इस समाज को भी दिया और उनकी बहुत सी उपलब्धियां आप सबके पास हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाई फेस जानता हूं मैं, लेकिन चेतन शर्मा नाम से मुझे वो क्रिकेट वाले चेतन शर्मा याद आते हैं। अभी पता चला कि हमारे भैया भी हैं और सरोज पांडे जी उनके सहयोगी भी हैं, ये मुझे पता चला। बहुत अच्छा चेतन भैया, और बधाई देता हूँ बालोद की टीम को कि उन्होंने फाइनल मैच जीता है। विकास भाई, अशोक शर्मा जी का स्वागत करें, ऋषि रघुविया का स्वागत करें, हमारे पूर्व इस ट्रस्ट के अध्यक्ष दिलीप कागा का स्वागत, धैर्य धीरज जाके करें, कदमराज पांडे जी का स्वागत धीरेन्द्र शर्मा जी करें, तालियां बजती रहनी चाहिए। 6 दिनों तक आपने हमें बहुत अच्छा सहयोग दिया है, अब कुछ घंटों की पारी है, तालियां नहीं रुकनी चाहिए। आइए हनी भैया, राजू शर्मा जी बैठे हैं, उनका स्वागत, केशव का स्वागत विकास भाई करें, हमारे बाबू पांडे अभिषेक पांडे जो कि आ जाए, डॉली वर्षा आप भी आ जाएं, मामी जी का स्वागत करें, सीमा भाभी आप भी आ जाएं, खुशी भाभी सॉरी आप भी आ जाए, अरे आइए आइए, चलिए स्वागत की कड़ी को विराम देते हैं। अब पुरस्कार वितरण के लिए अगर बॉयज के जूनियर बॉयज के बच्चे आए हैं तो कृपया आगे आ जाएं। कैप्टन ट्रस्ट से आए सदस्य हमारे सचिव महोदय राजेश भैया, राकेश भैया, रघु भैया, दिलीप काका कृपया आ जाएं, और हमारे उभरते समाज के बच्चों को अपना आशीर्वाद दें। भैया भैया जूनियर जो जो बच्चे आए हैं विजेता टीम के, आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि इन्होंने लाइव प्रसारण कराया है हर एक मैच का, और एक मैच ऐसा था जिसे मैं भी अपने घर में बैठकर देख रहा था, बहुत अच्छा इनका सहयोग रहा है। सभी बच्चों को उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं देता है भास्कर युवा मंच। फोटोएं रुकनी नहीं चाहिए, तालियां बजाते रहिए। देखा है भोजन व्यवस्था में जब ये भोजन करते थे, कौन नीली जर्सी में कौन लाल जर्सी में उससे मतलब नहीं, एक ही थाली में ही 4 लोग खा रहे हैं। और एक तब तनु आ जाए अपनी टीम को लेकर, तनुश्री और मामा जी आप सभी परिवार आ जाए, आ जाए।
कहते हैं कि जब भी आप कुछ बड़ा है, अभी जिंदा है हौसला, उड़ान बाकी है, ये हवाओं का सिलसिला है, अभी तो तूफान बाकी है। और कितनी ही मुश्किलें आए, लेकिन सामने देखिएगा, सामने देखते रहिए। तनु आप गलत टीम के है ना, तालियां बजती रहनी चाहिए। पुरस्कार वितरण का यह समारोह चल रहा है। तनु, सीमा भाभी, खुशी, निष्ठा, डॉली और बाकी खिलाड़ी नहीं आए, इन लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा, बहुत अच्छी तालियां और फोटो दोनों चलती रहनी चाहिए। सुमित भैया ये सब बोल रहे हैं कि आप सिक्स मारेंगे तभी तालियां बजेगी। अरे मतलब एक तरफ इधर देखो, इधर देखो, तालियां बजती रहनी चाहिए। फटाकों की आवाज दब जाए उतनी तालियां बजती रहनी चाहिए। जितने हमारे भाई फोटो खींच रहे हैं थोड़ा सा गैप दे दे। चलो वो पीछे जाके ट्रॉफी एवं प्रैक्टिस, सुबह शाम प्रैक्टिस करती थी यह टीम। मैं जब इस आयोजन स्थल में आता था तो सुबह आओ तो यह खेलते नजर आते थे, शाम के आओ तो अम्मा बाबू एवं पूरा परिवार आ जाए बॉयज जोन का पुरस्कार वितरण करने के लिए। बॉयज जोन के विनर टीम राम साफिर रॉयल और रनर टीम है राम साफ पैंथर। मैं चाहूंगा रनर टीम के कप्तान ऋषि शर्मा आ जाएं और उनके टीम में जो सदस्य हैं वो भी आ जाएं। ऋषि शर्मा वो तो है सामने खड़े बैठे। हाँ ये इस टीम का सदस्य मैं भी हूँ। तालियां बजती रहें, तालियों में कमी ना हो, कंजूसी ना हो। ऋषि बहुत ही अच्छे बल्लेबाज, रमेश जी, अरे ये उनका मोबाइल है ना, राजू भैया, सुमित भैया भी, विजेता टीम के कप्तान धीरेन्द्र, तालियां बजती रहनी चाहिए। जितनी तालियां बजेगी उतना सफल कार्यक्रम हमें लगेगा, उतनी हमारी मेहनत सफल हुई ऐसा हमें लगेगा। बहुत बहुत बधाई। चलिए मैन ऑफ द सीरीज, अभी मैं चाहूंगा अभिषेक को यह पुरस्कार। आप लोग यही रहिए। चलिए अभिषेक, पूरा परिवार यही रहिए, अभी बहुत सारे प्राइज बचे हैं। जब कोई कार्यक्रम को सीरीज टीम करें, कृपया सेलिब्रेट करें, तो आउट कर पाना बड़ा मुश्किल था। राजनांदगांव से आते हैं ये हमारे, तालियां बजते रहे। बताना चाहूंगा ये ट्रॉफी भी उन्होंने ही फाइनल कर ली, बॉलर के लिए, बेस्ट बॉलर के लिए जा रहे हैं। ये यहाँ जो भी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं ना, सिक्स मारना, पकड़ो ना।
जोरदार तालियों के बीच मैं लक्की शर्मा का स्वागत करता हूं। जोरदार तालियां लक्की भाई के लिए। धुआंधार पाली पारी से इन्होंने अपनी टीम इधर देखो, इधर देखो। इसके पश्चात फाइनल मैच खेला गया जो कि रायपुर और बालोद। बहुत ही शानदार बॉलिंग, बैटिंग और हर तरह से इन्होंने मैच में रोमांच बनाए रखा, दर्शकों का बहुत मनोरंजन किया। आशीष तू भी तो था, नहीं था तू दूसरी वाली में था। लकी तालियां बजती रहे, तालियां ही है जो खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करती है। पलट के खड़े थे। चलिए हम तेज गति से चला पाते हैं। पन्ना भी अगर पन्ना भी इधर आ जाए, बामी जी आपका स्वागत करेंगे। मिनटो दो पन्ना आ जा। अरे अबे भैया जाओ ना, इसको नाम नहीं, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ ना, प्राइस नहीं बालोद डोंडी लोहारा टीम को मैं ससमान मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। कल रात को सेमीफाइनल जीतने के बाद रात को 2 बजे ये वापस गए हैं और इनकी खेल स्पिरिट ये बता रही है कि सुबह उसी एनर्जी के साथ हमारे ग्राउंड पर जोरदार तालियां बजती रहे। भैया वीडियो बनाने की फोटो। तालियां बजती रहनी चाहिए विजेता टीम के लिए। देखो नीचे ऐसे बैठे हो ना, सामने हल्का सा झुक के बस झुक के ट्रॉफी पकड़। सफल आयोजन जीत के बाद दान उल्लास की खुशियाँ गई हुई है। सारे दर्शक सफल आयोजन की खुशियों को एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी के साथ ही ये पंक्तियाँ भी उभर रही हैं कि आंखों को महफूज रख लो, रोशनी दूर तलक साथ देगी, मुसाफिर तुम भी हो, हम भी सफर में फिर अगले साल मुलाकात होगी।